Let's call it in the crossfire. Let's call it in the crossfire. मैं आपको इस वीडियो में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि CCL की जो बेसिक डिटेल्स हैं, एरिया, CMD, हेडक्वार्टर, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके CCL के आने वाले ओपनमैन एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपको ये पता होना भी ज़रूरी है। तो चलिए सारे पॉइंट्स देखते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है कि CCL जो है वो कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है और CCL का फुल फॉर्म है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। और ये इसका जो फुल फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि MCQ में इसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है CCL का हेडक्वार्टर। तो CCL का जो हेडक्वार्टर है वो है दरभंगा हाउस रांची झारखंड में। इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की टाइप। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है और इसका जो प्रोडक्ट है वो कोल है और इसकी जो ओनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसके बाद नेक्स्ट है इसके फॉर्मेशन की। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1975 को हुआ था और इसी दिन कोल इंडिया का भी फॉर्मेशन है। तो कोल इंडिया का फॉर्मेशन और CCL का फॉर्मेशन एक साथ ही हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है मिनी रत्न स्टेटस। तो जो CCL है वो मिनी रत्न कंपनी है और इसको ये स्टेटस 2007 में मिला था मिनी रत्न का। इसके बाद नेक्स्ट है CMD। तो जो CCL के CMD हैं वो हैं श्री गोपाल सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है CCL का जियोलॉजिकल कोल रिजर्व, तो वो है 44.837 बिलियन टन। ये जो डाटा है वो 1 अप्रैल 2018 तक का डाटा है। इसके बाद हम बात करेंगे CCL की कोलफील्ड्स की। तो टोटल नंबर ऑफ कोलफील्ड हैं 7 और इनमें सबसे जो पहली कोलफील्ड है वो है ईस्ट बोकारो, फिर है वेस्ट बोकारो, फिर है नॉर्थ करनपुरा, फिर है साउथ करनपुरा, फिर है रामगढ़, फिर गिरिडीह और इसके बाद लास्ट है हुटार। तो ये टोटल हो गई CCL की कोलफील्ड्स। इसके बाद CCL में 62 खदानें हैं जिनमें 22 अंडरग्राउंड और 40 ओपन कास्ट हैं। इसके बाद बात करेंगे CCL की टोटल एरियाज की, तो वो हैं 13। सबसे पहली एरिया है बरकासियाल, फिर अरगड़ा, उसके बाद है नॉर्थ करनपुरा, रजहारा एरिया, पिपरवार एरिया, रजरप्पा एरिया, कुज्जू एरिया, फिर हजारीबाग एरिया, फिर बोकारो और करगिली एरिया, धोरी एरिया, कथारा एरिया, मगध आम्रपाली और लास्ट है गिरिडीह। और ये जो गिरिडीह है वो नई है अभी। CCL की फ़िलहाल ये 5 अंडरग्राउंड खदानें हैं जो चालू हैं अभी, धोरी खास, सारूबेड़ा, हाथी दाढ़ी, चूरी और गोविंदपुर। इन 5 खदानों के अलावा अभी कोई अंडरग्राउंड खदान चालू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाशरीज। तो CCL में 7 वाशरीज हैं जिनमें कि नॉन कोकिंग कोल की 2 वाशरीज हैं, पिपरवार और गिद्दी एरिया। इसके बाद बात करेंगे कोकिंग कोल वाशरीज की, तो वो 5 हैं, कथारा में, रजरप्पा में, केदला और स्वांग और करगली में। इसके बाद बात करेंगे CCL के वर्कशॉप्स के, तो वो हैं एक सेंट्रल वर्कशॉप जो है वो ISO प्रमाणित है, वो बरका काना में है। इसके साथ 5 रीजनल वर्कशॉप्स हैं वो भी ISO प्रमाणित हैं, जरंडी में है, तापिन नॉर्थ में है, डकरा में है, गिरिडीह में है और भुरकुंडा में है। इसके बाद बात करेंगे CCL के रेस्क्यू स्टेशन की, तो माइंस रेस्क्यू स्टेशन है 1 नाईसराय में और इसके बाद इसके पास 2 रेस्क्यू रूम विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटर है चूरी और कथारा में, और रेस्क्यू रूम है उरी मारी में, फिर है एक ढोरी में और एक है केदला एरिया में। इसके बाद नेक्स्ट है CCL के सेंट्रल हॉस्पिटल्स। तो CCL के पास सेंट्रल हॉस्पिटल 4 हैं टोटल। सेंट्रल हॉस्पिटल पहला जो है वो गांधीनगर में, दूसरा सेंट्रल हॉस्पिटल नायसराय में है, तीसरा सेंट्रल हॉस्पिटल धोरी में है और चौथा सेंट्रल हॉस्पिटल डकरा में है।
तो ये चार सेंट्रल हॉस्पिटल हो गए सीसीएल के। इसके बाद नेक्स्ट है सीसीएल का 2018-19 का प्रोडक्शन एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। तो ओपन कास्ट का टारगेट था 68.200 मिलियन टन और इसका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था 68.407, यानी कि टारगेट से ज़्यादा ही था। और अंडरग्राउंड से जो प्रोडक्शन हुआ था टारगेट था 0.500 मिलियन टन का, लेकिन प्रोडक्शन हुआ था 0.315 मिलियन टन। और ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो टारगेट था 68.700 मिलियन टन और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ था 68.722। तो देखा जाए तो CCL ने 2018-19 में अपना टारगेट पूरा किया था प्रोडक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है CCL का OMS। तो 18-19 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से टारगेट था 7.550 और इन्होंने टारगेट को अचीव किया। इनका OMS था UG और ओपन कास्ट को मिला के 8.091। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल है डिटेल्स ऑफ HMM इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस ऑफ CCL। तो ये जो डाटा है वो 31/3/2019 तक का है। तो ओपन कास्ट इक्विपमेंट में शॉवल है 104, डंपर है 421, डोजर है 164 और ड्रिल मशीन है 116, टोटल मिला के 805। इसके बाद नेक्स्ट है CCL के इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिससे CCL को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उन कोयला खदानों के नाम हैं। और CCL का जो मेनली जो प्रोडक्शन होता है वो शॉवल डंपर और सरफेस माइनर के यूज से होता है। और पीपरवार OCP में 90s के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के कोलैबोरेशन से इनपिट कोल क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम भी यूज़ किया गया था, जो पूरे इंडिया में सिर्फ इसी जगह पे है एकमात्र। और अशोक ओपन कास्ट माइन में सरफेस माइनर यूज़ किया जाता है कोला प्रोडक्शन के लिए। और जो सारी माइंस हैं इनके नाम हैं पीपरवार ओपन कास्ट, अशोक ओपन कास्ट, KDH ओपन कास्ट, अम्लो ओपन कास्ट, कल्याणी ओपन कास्ट, आम्रपाली ओपन कास्ट, मगध ओपन कास्ट, पूर्णाडी ओपन कास्ट, कारो OCP, कोनार ओपन कास्ट, नॉर्थ उरीमिरी ओपन कास्ट। तो ये सारी माइंस हैं जिससे CCL को ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। इसके बाद की क्लिप में आपको इनपिट कोल क्रशिंग और कन्वेइंग सिस्टम का यूज़ किया गया है जो पीपरवार एरिया में है। एकदम सेम तो नहीं है बट लगभग लगभग मिलता जुलता है ऐसा ही कि कैसे कोयला कटता है और कैसे कन्वे किया जाता है। तो इस क्लिप से आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा कि इनपिट कोल क्रशिंग और कन्वेइंग सिस्टम कैसा मैथड है माइनिंग का।